डिस्ट्रिक्ट उधमपुर, तहसील चनैनी, पंचायत पचौत की हूँ। और इस वक्त मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट उधमपुर है, तहसील उधमपुर है, ब्लॉक नरसू है इनका, पंचायत इनकी किथर है, वार्ड नंबर 3 में हम खड़े हैं। जितने भी ये पब्लिक मेरे साथ खड़ी है, जितने भी लोग मेरे साथ खड़े हैं, ये चाहते हैं कि जो हमारा स्टोर है, जो स्टोर है हमारा, वो यहाँ पे आना चाहिए। मतलब 3 नंबर वार्ड के लिए ये कहते हैं। अब यहाँ पे चिल्डी एरिया भी है, चिल्डी भी है, किथर भी है और नामन भी है। मतलब नामन भी है, चिल्डी, किथर, ये सारे एरिया हैं। और ये लोग जाते हैं द्रमथल में। लेडीज हमारी जो है ये सुबह जाती है बच्चों को उठा के, ऐसी ऐसी लेडीज देखो इधर आओ, ऐसी ऐसी लेडीज जो है, तो ये मतलब बच्चा उठा के सुबह, मतलब बच्चा उठा के तो ये जाएंगी द्रमथल में। अब जेंट्स जो है तो वो जाते हैं काम पे, देखो उनको काम भी करना है, जब अगर वो काम नहीं करेंगे तो बच्चों को खिलाएंगे क्या? तो इसलिए ऐसी ऐसी जो लेडीज हैं ये बेचारी वहाँ पे जाती हैं, तो वहाँ जाती हैं बेचारी, देखो खाना खुना सुबह कहीं घर से एक बार खाया तो खाया, वहाँ जाके डीलर बोलता है साइड ही बंद हो जाती है। देखो साइड बंद हो जाती है, 50-100 बंदा ऐसे खज्जल होके शाम को घर आता है, 400-500 बंदा जैसे वहाँ पे गया, तो किसी को अगर जैसे राशन मिला, किसी को नहीं मिला, किसी को खाली घर आना पड़ता है, तो लोगों को बड़ी दिक्कत है, बड़ी परेशानी है। इतने इतने बच्चे उठा के ये नीचे जाते हैं। ये सारे लोग चाहते हैं कि हमारा स्टोर इधर के लिए आ जाए। क्या चाहते हो सारे? आप क्या चाहते हो? हाँ, तो ये चाहते हैं कि हमारा स्टोर जो है वो यहाँ के लिए आना चाहिए। तो मैं हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि इन लोगों के साथ जाती होती ऐसी नहीं होनी चाहिए, यहाँ के लिए इनका जो स्टोर है वो आ जाए। और दूसरा नंबर, अगर कोई मुझे कहे कि पता नहीं हो सकता है लड़की को कोई बेनिफिट होगा, अब मेरे घर है खुद में, इतना कुछ मेरे घर है खुद में, तो मैं खुद से उठा के तो यहाँ पे आऊंगी नहीं राशन लेने, कि भाई मैं वहाँ से उठ के तो यहाँ आऊंगी राशन लेने की, नहीं मेरे को, मुझे कोई बेनिफिट नहीं कमाना है, मुझे कोई वोट की जरूरत नहीं है, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, सिर्फ मैं ये चाहती हूँ कि लोगों का इंसाफ होना चाहिए, सुनने वाला कोई नहीं है। देखो 5 साल के लिए एक पंच जो होता है, 5 साल के लिए चाबी उसके हाथ में दे दो। अब पंच साहब यहाँ पे थे जब मैं आई, तो वहाँ पे यहाँ ये काफी सारे लोग थे, मेरी 3-4 माताएं वहाँ से आ रही थी, बहने मेरी वहाँ आगे से आ रही थी, पंच साहब उनको कुछ बताते हैं, कहने का मतलब यही है कि वो बताते हैं हमें पता ही नहीं है। जिस दिन हम मैं इधर पहली बार आई थी, तो हमने कहा कि भाई गाँव के लिए 28 तारीख के लिए हमने एक मीटिंग रखी है, 12-1 बजे दिन को रखना, क्योंकि गाड़ियों की यहाँ पे बहुत ज्यादा दिक्कत है, तो 12-1 बजे मीटिंग रखना। यहाँ पे सभी मतलब पंच साहब गुजर ही थे, साथ में थे मौके पे, तो जब मेरी उनसे मतलब बात हुई, हमने कहा यहाँ के लिए हमने मीटिंग रखी है, बोल रही आज वो पंच कहता है कि मुझे पता ही नहीं है, और वो यहाँ पे 100 की स्पीड में भाग गया यहाँ पे, मतलब आगे देखा मैंने, वो लेडीज से बात कर रहा था, उनसे क्या बात कर रहा वो मुझे नहीं पता, लेकिन सुनने वाला, कहने का मतलब है सुनने वाला कोई नहीं है, चाहे कोई एमसी का है, चाहे कोई कांग्रेस का है, चाहे कोई पैंथर का है, चाहे कोई भी बंदा है, लेकिन गरीबों की कोई सुनवाई नहीं। ऐसी ऐसी लेडीज जाती है उधर नीचे, और इनका राशन कार्ड लोगों को बनाया है, मतलब गरीब लोग बनाए हैं, तो हम ये चाहते हैं कि ऐसी जाति नहीं होनी चाहिए, जिनका हक है उनको मिलना चाहिए। ये थोड़ी है कि अब एक आप ब्लॉक में कितने पैसे आते हैं, 4 पत्थर तक नहीं है हमारी पंचायत में, यहाँ पे कोई देखे 4 पत्थर तक नहीं। ये इधर का हाल नहीं है, जो ब्लॉक चनैनी और पंचायत पचौत है, नंबर 1 पंचायत पचौत है, मैं भी उसी पंचायत की हूँ, उधर का भी, उधर के भी एक एक करके डीडीसी बीडीसी एक एक करके है, एक बंदा वही पंच रहता है, वही सरपंच रहता है, वही सब कुछ होता है, लेकिन आज दिन तक वहाँ कहने का मतलब है कुछ नहीं बना। तो हाँ, और ये दूसरा नंबर इनकी ये डिमांड है कि 60 रुपए की, मतलब 60 रुपए किराया लगता है, 70 रुपए किराया लगता है, 40 रुपए किराया लगता है, और इतना ये लोग जो लोग है ये नहीं दे सकते हैं। तो मैं 150 उनका किराया लग जाता है, और 60 रुपए का वो राशन लाएंगे, 150 रुपया किराया देंगे, स्पेशल गाड़ियां करके जाते हैं। उनका कहने का मेरा यही मतलब है कि इनके साथ जो इंसाफ पूरी होनी चाहिए, मैं आज ये विनती करूंगी इनके इंसाफ होना चाहिए।